कैसे करें ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कितना होगा मुनाफा। आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या होता है, इसे कैसे शुरू करें, किन किन चीजों की जरूरत होती है। दोस्तों, आज के दौर में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है और लोग उसके लिए तरह तरह के काम करते हैं। अगर आप भी कोई कम पैसे में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हम आपको एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसे कम पैसों में बड़ी ही आसानी से शुरू किया जा सकता है। आज हम आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्या है? ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में काफी लोग जानते हैं, नहीं तो देखा ही होगा कि जब हम मार्केट से कोई भारी भरकम सामान खरीद लेते हैं जिन्हें ले जाने में हमें दिक्कतें आती हैं, या यूं कहें कि हमें कुछ सामान डिलीवर करना हो और उस शहर में हम नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में हम ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मदद लेते हैं। उन्हें उस सामान का पैसा देकर अपने सामान को हम तय जगह पर पहुंचा देते हैं और यही होता है एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस। इसकी जरूरतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और ऐसे में आप खुद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ज्यादातर टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ऑन डिमांड व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और बड़े ट्रक आते हैं। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके बाद आपको इस कंपनी को शुरू करने के लिए जीएसटी नंबर, शॉप एक्ट लाइसेंस और उद्योग आधार प्राप्त करना होता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस है ज्यादा फायदेमंद? टैक्सी सर्विस। शहरों में टैक्सी सर्विस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कई ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियां जैसे कि ओला, उबर बहुत चल रही हैं। आप भी इस तरह की अपनी एक टैक्सी सर्विस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा दूरी भी तय करने की जरूरत नहीं होगी। लॉजिस्टिक कंपनी। आप लॉजिस्टिक्स और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा निवेश की सहायता से आसानी से बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। देश में कई लॉजिस्टिक कंपनियां काम कर रही हैं और बेहद अच्छा लाभ कमा रही हैं। शुरुआत में आप एक गाड़ी की मदद से भी काम कर सकते हैं। पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस। इस बिजनेस को आसानी से शुरू किया जा सकता है। बड़े शहरों में अक्सर देखा जाता है कि लोगों को पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस की जरूरत पड़ती है उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। आप चाहें तो इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कितनी हो सकती है लागत? आपको अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए वाहन खरीदने होंगे और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सरकार द्वारा लोन भी दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए 80% तक लोन सरकार की तरफ से मिल जाएगा। आपको आपके कुल इन्वेस्टमेंट में 80% की मदद सरकार के द्वारा कर दिए जाने पर आपको 20% पैसे अपनी कंपनी के लिए खर्च करने होते हैं। मुनाफा कितना होगा? बिजनेस में मुनाफा आपके द्वारा किए गए निवेश पर निर्भर करता है। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जुड़ेंगे तो आप लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति महीना मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे करें अपनी कंपनी का प्रचार? सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी सर्विसेज देनी होगी। आप अपनी कंपनी के लिए जो भी ड्राइवर्स रखते हैं, ध्यान रहे उनमें कोई शराब आदि की आदत ना हो। अपने वाहनों की सर्विसिंग का भी ध्यान रखना होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए भी अपनी कंपनी का नाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया और इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।